नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। यह पेपर है घटक संच कसौटी दूसरी। तो प्रश्न देखिए, कृति एक, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसके लिए हमें यह परिच्छेद देखना पड़ेगा। आप अच्छे से स्क्रीन शॉट निकाल कर यह परिच्छेद पूरी तरह से देख लीजिएगा। प्रश्न देखेंगे, एक, आकृति पूर्ण कीजिए, लॉटरी खुली, यह सब लॉटरी का था। ब, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए, रेफ्रिजरेटर मुंबई आते आते कई महीने लग गए, यह तो पानी को गर्म बना रखा है। दो, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे हमें दो वाक्य दिए हैं और यहाँ पे कोष्टक दिए, इसमें से योग्य विकल्प चुनना है। ब, प्रश्नों का उत्तर लिखिए, एक, फ्रिज आने पर क्या हुआ। दो, दिनेश ने क्या छीटा छोड़ा। तीन, परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए। चार, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, धूम मचना, छीटा छोड़ना। ख, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह है परिच्छेद, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक, आकृति पूर्ण कीजिए, विनोबा जी ने इन व्रतों का परिपालन किया। ब, उत्तर लिखिए, विनोबा जी ने किन वस्तुओं का परिग्रह किया था। दो, जोड़ियां बनाइए, अगट उत्तर और बगट। यहाँ पे विनोबा जी का साध्य, ब्रह्मचर्य, व्रत, योजना, आश्रम, इसमें से जोड़ियां बनानी है। तीन, परिच्छेद में प्रयुक्त संज्ञा चुनकर लिखिए। चार, परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह चुनकर लिखिए। विभाग दो, पद्य कुंडली कृति दो ग, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अच्छे से पद्यांश पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए, न सोचे काम करने का परिणाम। दो, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। अ, ऋण लेते समय। ब, ऋण लौटाते समय। उपर्युक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए। विभाग तीन, पूरक पठन, यहाँ पे पूरक पठन है, यह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीयूष के परिवार के सदस्य, परिच्छेद में आए एक पशु और पक्षी का नाम। तीन, कहानी के पात्र के स्वभाव की विशेषताएं, पीयूष और शैलेश। तो प्रश्न देखकर हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।